निमालवा में 8 लाख से अधिक रुपए के अवैध पटाखे पुलिस ने जब्त किए। 2 घरों पर दबिश देकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपने घर के डाइनिंग रूम और मेटाडोर में पटाखे छुपाकर रखे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देर रात कार्रवाई कर पटाखे जब्त किए। आरोपी ने बिना लाइसेंस के पटाखे छुपा कर रखे थे। वार्ड नंबर 2 में रहने वाला संदीप अग्रवाल और मंडी गेट के पास रहने वाले जालम सिंह के घर पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों के घर से पटाखे बरामद किए गए। पटाखों की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। सिवनी मालवा SDOP शंकर लाल सोनिया TI अजय तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपी पिछले 10 दिनों से घर में पटाखे रखे हुए थे और बाजार में बेच रहे थे। दोनों आरोपियों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई? यार, आगामी त्यौहारों को देखते हुए, अभी दिवाली जैसे जो त्यौहार आ रहा था उसको देखते हुए हमें मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कई लोग जो है शहर में भारी मात्रा में अवैध पटाखे अपने घर में रखे हुए हैं, जो कि लोगों के जीवन को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सूचना पे 2 टीमें अलग अलग बनाई गई थी हम लोगों के द्वारा, और संदीप अग्रवाल जो कि अपने बनापुरा में रहते हैं, और इसके अलावा जालम सिंह करके जो है ये दमाड़िया रोड के आसपास रहते हैं, तो यहाँ पर दोनों के घरों पर दबिश दी गई थी। वहाँ से तकरीबन 4.5 लाख रुपये के जो पटाखे हैं वो अवैध मात्रा में भारी रूप से जब्त किए गए हैं, और लगभग इनकी कीमत जो है 4.5 लाख रुपये के आसपास है।